श्रीमते रामचंद्राय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगतिस्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। पंचगावः समुत्पन्ना मत्थमाने महोदधौ तासां मध्ये तुया नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। सर्वकामदुघे देवी सर्वतीर्थाविशेषिणि देव पावनिसुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगदिस्थावर जंगमं ताम धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। भवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके, नमस्ते जगदम्बिके, नमस्ते जगदम्बिके। जय 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 गोप, जय जय गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन नंद यशोदा माई, नंद यशोदा माई। जय जय गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन नंद यशोदा माई दाऊ गोकुल वृंदावन। जय कीरति वृषभान राधिका अष्ट सखीगण। जय जय यमुना पुल निरास मंडल के मंडन कामधेनु अभिषेक करो गोविंद पद भूषित किए गो सेवा आदर सहित नारायण गोविंद भय गो गोपाल गणेश गुरुदत्त चरण सिरनाय। गाय भक्तमाला लिखूं नाभा प्रिया मनाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर सर्व ही पय एक पय को फल नवनीत सम धेनु भक्ति है एक। हरि भक्ति गो भक्ति में गो भक्ति सविशेष हरिहु की अति इष्ट गौ सहज द्रवहि अखिलेश। श्री दत्त शरण आज्ञा दई गो भक्तन यस गाओ अभिमत फल दाता गौ भव सागर की नाव। अभिमत फल दाता गौ भव सागर की नाव। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा राम जय जय रघुनाथ जय जय
श्री राम जय जय रघुनाथ जय जय सीतापति राम रघुनाथ जय जय सीतापति राम रघुनाथ जय जय भोला की जय जय शंकर की जय जय भोला की जय जय शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल श्री महाभारत में पंचम वेद महाभारत में गाय के संबंध में जो कुछ लिखा है उसका वर्णन किया गया। उसमें लिखा है ततो बपन काले तु कुर्यात् सार विमोचनम् बिना सारेण यद् धन्यम् धान्यम् वर्धते न फलित्यपि। गाय के गोबर से खाद बनता है और गाय का जो खाद है गोबर का खाद है वह पृथ्वी का भोजन है। गोमूत्र और गोमय पृथ्वी का भोजन है, इससे पृथ्वी संतुष्ट होती है। फाल्गुने प्रति केदारे गर्तम कृत्वा विधा फेत। फाल्गुन महीना में बड़ा गहरा गड्ढा करे गुरु में और उसमें जो है गर्त के भीतर गोबर को डालता रहे। फिर उस गोबर को जो पक जाए पके हुए खाद को निकाल करके खेतों में डाले। बिना खाद गोमय के खाद के जो अन्न होता है उसमें वह सामर्थ्य शक्ति नहीं होती है, वह ताकतवर नहीं होता है। गोपाल को गवाम गोष्ठे यस्तु धूमम नकारे मक्षिकालीन नर के मक्षिका भी सवक्षते। ग्रीष्म ऋतु में मच्छर अधिक हो जाते हैं, जैसे अपन को मच्छर परेशान करते हैं इसी तरह गायों को भी मच्छर काटते हैं। इसलिए गोष्ठ में जाकर के नीम के पत्तों से धुआं जरूर करना चाहिए। नीम के पत्तों से धुआं करके और मच्छरों को भगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो नरक में उसको मच्छर परेशान करते हैं, ऐसा लिखा है। गोदोहन के समय सावधान होकर के दो मासों पाये वत्सम तृतीय दुष्टनम दहेत। प्रारंभ के दो महीनों तक बछड़ा खूब दूध पिए, पीछे से दो थनों को बछड़े को देना चाहिए और दो थनों का दूध निकालना चाहिए। यह सब ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है और साथ में लिखा गया है कि गायों को समय समय पर नमक खिलाना चाहिए और फिर पानी पिलाना चाहिए, उससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। और गोष्ठ में जो
दीपक जलाता है तो उसका बड़ा पुण्य कहा गया है। और गोष्ठ में जो वीणा आदि का स्वर वाद्य यंत्र बजाता है, सुमधुर स्वरों को कहता है, पुराणों का पाठ करता है, कथा सुनाता है, तो उसको गोष्ठी कहते हैं, उसका बड़ा भारी पुण्य कहा गया है। गोदान करने का जो पुण्य है वही गाय की रक्षा करने का पुण्य है। गाय को घास, तृण, जल आदि देकर के पुष्ट करना चाहिए। जैसे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, इसी प्रकार से बूढ़ी गाय की सेवा करना चाहिए। स्वप्न में भी गो माता को कोसना नहीं चाहिए, दुर्व शब्द नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और उनके रहने के स्थान को समतल रखना चाहिए, उसमें गड्ढे कीचड़ आदि ना हो, और उस पर मुलायम सी मिट्टी बिछा के रखना चाहिए। और यहाँ इसमें लिखा है कि उस जो गौशाला है उसमें अपवित्र व्यक्ति कोई ना जाए, पुंसचली स्त्री ना जाए, रजस्वला स्त्री ना जाए, और छोटे छोटे बछड़ों को लांघना नहीं चाहिए, ना उनको तंग करना चाहिए। गौशाला में, मंदिर में, पूजा के स्थान में, शास्त्र में, पद्म पुराण में लिखा है कि तीन जगह जूता पहन के नहीं जाया जाता है। ठाकुर जी के मंदिर में, पूजा के स्थान में जहाँ भोजन बनता है वहाँ पर, और गौशाला में जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। रोगी बूढ़ी दुबली गायों की माता पिता के समान सेवा करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। प्रभाते लवणम तत्र दीयते ततो जलम ततो तृणानि भोज्यम चापोषणम मांस वर्जितम। प्रभात काल में स्वयं गायों को नमक देना चाहिए, फिर जल पिलाना चाहिए, इससे वह खूब बढ़िया से चरती हैं, पुष्ट हो जाती हैं। गाय को कभी मांस की स्थिति मांस नहीं खिलाना चाहिए। विदेशों में ऐसा हमने सुना है कि गाय को मांस खिलाते हैं दूध के लिए, यह बहुत ही दोषपूर्ण है। निशिदीपः स्वतंत्री को दिव्या पौराण की कथा, ये सब पद्म पुराण के श्लोक इसमें लिखे हुए हैं। रात्रि में जहाँ गाय होती बंधती है, गोष्ठ में, बाड़े में दीपक रखना चाहिए, और कोई मधुर वाद्य बजाना चाहिए, और पुराण आदि की कथा, अच्छी पुण्य भई कथा करना चाहिए। एवं कृते मही पूर्ण रत्न तत्वा भवेत फलम। इस तरह से करने से, रत्नों का दान करने से जो फल होता है वह फल होता है। गो प्रदानात यत् पुण्यम गवाम संरक्षणात् भवेत। गायों की सुरक्षा करने से, कसाई ले जा रहा है उसकी रक्षा करने से, गाय कीचड़ में फंस गई है उसको निकालने से, मुसीबत में गाय को बचाने से, और गोदान का, गो प्रदानात यत् पुण्यम, जो गोदान का फल है वह पुण्य प्राप्त होता है। तासा मूत्र पुरी से तु नोद वेगा कृते कुचित। गाय के गोबर से, मूत्र से कभी घृणा नहीं करना चाहिए। लंघेत वत् सतीम न कीड़ेत गोष्ठ वसन्निधौ। छोटी छोटी बछड़ियों को खूब दूध पिलाना चाहिए, उनको नांगना नहीं चाहिए, लांगना नहीं चाहिए, उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, और जूता पहन करके गोष्ठ में नहीं जाना चाहिए। और बूढ़ी गायों का माता पिता के समान पालन करना चाहिए। समय समय पर औषधि देना चाहिए, लमक देना चाहिए, जल पिलाना चाहिए, और इससे सौभाग्य। गवाम कायंडूयनम धन्यम गो प्रदान फलप्रदम। गाय को खुजलाने से अनेक रोगों की चिकित्सा होती है, और बड़ा पुण्य प्राप्त होता है।
गायों को खुजलाने के लिए गोष्ठ में कुछ खंभे गाड़े जाते हैं जिनसे वो रगड़ के खुजा सकें। इस प्रकार से गोवलीय ग्रह सूत्र के अनुसार और गोपुष्टि के लिए नांदी मुख श्राद्ध तथा 3 दिन का उपवास कर गोमाता के घर को वन में जाते तथा आते समय अनुमंत्रण करना चाहिए। इमामे विस्तो नीर्यो भव इंद्र देवश्च रक्षतम पूषस्तम पर पर्यावर्तया नष्टा आयन्तु नो ग्रहात्। पुराण के कुछ मंत्र लिखे हैं गो शांति के, उनकी रोगों की शांति के लिए चिकित्सा कराना चाहिए। इन मंत्रों को लिख करके और पांडुपुत्र नकल ने गवास चिकित्सा शास्त्र लिखा है, अर्जुन के नामों को लिख करके टांगना चाहिए, इससे गायों को कोई पैरों का रोग नहीं होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गाय की सेवा कैसा करना चाहिए यह सब लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में एक महापुरुष हुए हैं, चौड़े जी महाराज हैं। चौड़े जी महाराज बालकृष्ण मार्तंड चौड़े, ये उनका पूरा नाम था बालकृष्ण मार्तंड चौड़े। उन्होंने अपने जीवन में गौ सेवा करने के लिए बहुत काम किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों में जहाँ जहाँ गाय से संबंधित लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, इतिहासों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है, ग्रह सूत्रों में लिखा हुआ है, स्मृतियों में लिखा हुआ है, उनके प्रमाणों को इकट्ठा किया और गाय अवध है, गाय को नहीं मारना चाहिए, प्रमाण देके समझाया है। जीवन भर उन्होंने गो कथा कही है, गोव्रत को अपनाया है और गो ज्ञान कोश नाम का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, उसमें गाय की महिमा का पोषण किया गया है। बहुत बड़ा मोटा ग्रंथ है ये। महाराष्ट्र के चौड़े जी महाराज हुए हैं, बहुत पहले उन्होंने गाय की रक्षा के लिए यह किया है। श्री चौड़े जी महाराज ने ज्ञान कोश गऊ को रचो, चौड़े जी महाराज ने ज्ञान कोश गऊ को रचो, वैदिक मध्य और अर्वाचीन विभाग रचायो। अपने ग्रंथ के 3 भाग किए, वैदिक भाग, मध्य भाग और अर्वाचीन आधुनिक भाग, सब ग्रंथों के रसों को इकट्ठा करके लिखा है। चारों वेद विशेष अथर्व गो महिमा गायो, चारों वेदों में गाय की ऋचाओं को इकट्ठा किया। अथर्व वेद में बहुत गायों के लिए, अथर्व में गो सूक्त है, उसको लिखा। गो अवध्य है पूज्य प्रमाण देकर समझायो, गाय का वध नहीं होना चाहिए, गाय अवध है प्रमाण दे करके समझाया है। जीवन भर गो कथा कही गो व्रत अपनायो, जीवन भर गाय के संबंधित कथा कही और गो व्रत को अपनाया। बृहत ग्रंथ गो ज्ञान को गो महिमा पोषक रचो, एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जिसमें गाय के पोषण की सब बातें लिखी है। श्री चौड़े जी महाराज ने ज्ञान कोश गौ को रचो, चौड़े जी महाराज ने और श्री बालकृष्ण चौड़े जी, बालकृष्ण मार्तंड चौड़े जी ने एक संस्था बनाई, गोवर्धन संस्था। 40 वर्षों तक वो यह कार्य करते रहे। गो संरक्षण, गो पालन, गो संवर्धन का कार्य 40 वर्ष तक करते रहे।
वो गायों की रक्षा के लिए कथा कीर्तन के मध्य से रचनाओं के माध्यम से कहते रहे। 5000 पृष्ठ का गो ज्ञान कोष, बड़ा भारी ग्रंथ उसकी रचना आपने की। प्राचीन शास्त्र में, मध्य काल में, अर्वाचीन काल में ऐसे खंड करके वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में जो जो गाय से संबंधित मंत्र आए हैं उस सामग्री को एकत्रित किया, गो ज्ञान कोष मंडल की संरचना की और सभी नेताओं को, आचार्यों को सबसे प्रार्थना की कि यह भारतवर्ष है, यहाँ पर गाय का संरक्षण होना चाहिए। गो परक 12 सूक्तों का और हजारों मंत्रों का उन्होंने और प्रस्तुत किया, इकट्ठित किया है। गो मध भारत का कलंक है, उन्होंने अनेक प्रमाण देकर के समझाया और उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि गो यज्ञ होता है तो उन्होंने समझाया कि गोवध को कहीं भी किसी भी काल में नहीं होता था, शंका का समाधान किया। पाश्चात्य विद्वान ने जो मनमानी बातें लिखी हैं उनका विरोध किया, नेताओं का विरोध किया, तो चौड़े जी महाराज ने बहुत काम किया। अथर्ववेद में अनेक मंत्र गाय से संबंधित हैं, उनको उन्होंने उद्धृत किया है। नमस्ते जाय माना यही जाता यही उतते नमः, बालेभ्या सफेभ्यो रूपा ज्ञाने ते नमः। हे अवध गौ माता, आपको बालक रूप में, युवा रूप में, वृद्ध रूप में आपको नमस्कार है। आपके रोम रोम को नमस्कार है, खुरों को नमस्कार है। आप सहस्रों धाराओं में दूध देने वाली मैया हो, यथा देउर, यथा पृथ्वी, यथा पो गुपिता इमा, दशाम सहस्र धाराम ब्राह्मणाच्छा वदामसे। जैसे भूमंडल में, भूलोक से जलों के स्रोत सुरक्षित रहते हैं, इसी प्रकार से गाय दूध दे करके और सबको पुष्ट करने वाली है। और औषधियों का नाम लिखा है, अरुंधति नाम की औषधि गाय को खिलाने से गाय पुष्ट होती है। गाय को प्रातः काल, ऊषा काल में गाय उठ जाती है, ऊषा काल में ही गाय का दोहन करना चाहिए। तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े को बार बार दूध पिलाना चाहिए। पिता वत्सानाम, बछड़ों का पिता, गायों का पति, बड़े प्रवाहों का पालक, सब जन्म से ही प्रतिदिन अमृत का दोहन करता है। इस प्रकार से अथर्ववेद के मंत्रों का संग्रह करके और उन्होंने गाय की महिमा का वर्णन किया है। बहुत से मंत्रों को इकट्ठा किया है। इसी प्रकार से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, अपने अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र है उसमें भी गाय पालन के संबंध में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। गो पालन विज्ञान को अर्थशास्त्र वर्णन कियो, गो पालन विज्ञान को अर्थशास्त्र वर्णन कियो। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, वो अर्थशास्त्र नाम है, वस्तुतः वो राजनीति शास्त्र है। राजस्य मूलम अर्थम, राज्य का मूल धन है और धन जो है गौ धन से प्राप्त होता है। गाय साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। गोपालन विज्ञान को अर्थशास्त्र वर्णन कियो,
अर्थशास्त्र में उन्होंने गोपाल विज्ञान का वर्णन किया है। राजनीति आधार अर्थ कौटिल्य बखानी, गोवाधारत कृषि समृद्ध सुख प्रजा बखानी। कौटिल्य ने कहा है कि गौवध गाय पुष्ट होंगी, गौवध नहीं होता होगा, गायें सुखी होंगी, बछड़े सुंदर होंगे तो खेती आधारित होगी, गाय के गोबर का खाद डाला जाएगा तो वह अन्न पुष्ट होगा। गो आधारित कृषि जो है समृद्ध सुखी प्रजा का वर्ण का कारण होती है। तो गो आधारित कृषि समृद्धि सुख प्रजा बखानी। प्रकरण गो अध्यक्ष गो पालक दोहक मंथक, लुब्धक अन्वेषक महिषी पालक पिंडारको। गायन सात प्रकार की चिन्हित कर अंकित कियो, गोपालन विज्ञान को अर्थशास्त्र वर्णन कियो। उन्होंने गोपालन विज्ञान नाम के ग्रंथ की रचना की, उसमें सात प्रकरण बनाए हैं और उसमें सात प्रकरणों में आवश्यक सब चीज़ों को लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि गायों को चिन्हित करना चाहिए, कोई दूसरा अपहरण न कर दे। यहाँ गायों को देखा है, कान में एक बटन सा लगा रहता है, उसमें नंबर लिखा रहता है। तो शासकीय व्यवस्था की जाती थी। कौटिल्य कहते हैं कि राजकीय समुद्र के राजस्व मूलम अर्थम, राजकीय समृद्धि के मूल में अर्थ। जब तक साम्राज्य में लोग संपन्न नहीं होंगे, समृद्धि नहीं होगी, कृषि की और पशुधन की समृद्धि नहीं होगी तो राज समृद्ध सुखी नहीं होगा। राज्य में खूब दूध दही घी आदि होगा, अन्न आदि होगा तो प्रजा पुष्ट रहेगी। और जहाँ गाय का उत्पीड़न होता है, गाय को मारने वाले को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। बहुत पहले तक नेपाल एक ऐसा देश रहा जहाँ गौ वध नहीं होता था, गाय को मारने, लात देने, गाली देने से भी बड़ी सजा का वहाँ पर प्रावधान था। और नवजात बछड़े को पूरा पूरा दूध देना चाहिए, दो महीने के बाद में दो थनों का ही दूध लेना चाहिए, इससे ज़्यादा, इसलिए उसको दोहन कहते हैं। कौटिल्य ने तो लिखा है कि जो गाय के बछड़े के हिस्से के पूरे दूध को निकाल करके पूरा दूध दोह लेता है, राजा उसको दंडित करे। क्या दंड दे? उसके अंगूठे को काट लिया जाना चाहिए। अंगूठा काट देने से वो गाय नहीं लगा सकेगा। कौटिल्य ने गोरक्षा के आठ उपाय सुझाए हैं। गृहस्थों की एक गौशाला बड़ा बाड़ा होना चाहिए, 10 गायों में बड़ी गौशाला और 100 गायों की उससे बड़ा बाड़ा होता है। 100 गायों के बाड़े में 4 सांड होना चाहिए और गोचर की जमीन शासकीय होना चाहिए। गाय की ही सारी जमीन है, गोचर की भूमि पर कब्जा करके खेती करने वाले व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। गोचर भूमि की सुरक्षा संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने गोष्ठ के कर्मचारियों के 5 विभाग बनाए हैं, गोपालक, पिंडारक, पिंडारक माने गायों का, भैंसों का रक्षक, दोहक माने गाय के दूध को दोहने वाला, मंथक दही आदि मथने वाला, लुब्धक जंगलों में जंगली जानवरों से सुरक्षा करने वाला, शस्त्रधारी घुड़सवार। इस तरह से 5 विभागों में राजा के गोष्ठों में 5 विभाग हुआ करते थे और गो संरक्षण गो संवर्धन की ओर ध्यान दिया जाता था। शासकीय व्यवस्था व्यवस्था का आश्रय लेकर के और गायों को भागानुप्रविष्ट विभाग में
सात प्रकार की बत्सिका, छोटी बछिया, बत्सरी, कलोर, बड़ी बछिया, पृष्ठोही, पछोरी, गर्भणी, धेनु, अग्रजाता, इस प्रकार से सात हिसाब से सात प्रकार के गायों के नाम हैं, जिसको आप कहते हैं कलुरिया है और ये बाखरी है, ये सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं। ब्रज पर्याय प्रकरण में गायों के चिन्ह अंकित करने को, सींग रंगने को, पूंछ की आकृति आदि के और बताया गया है। प्रति माह, प्रति दो माह में गायों का निरीक्षण करना चाहिए, ये सब उसमें लिखा हुआ है। वन में जो गाय भटक गई है और दूसरों के झुंड में चली गई है, इसकी चर्चा के लिए गोभ नष्ट प्रकरण में, कीचड़ में जो गाय फंस गई है, लौट करके नहीं आई है, बीमार है, जल प्रवाह में बह गई है, वृक्ष गिरने से घायल हो गई है और नदी का करार गिरने से दब गई है, भारी शिला से दब गई है, बिजली से नष्ट हो गई है, हिंसक जानवर से नष्ट हो गई है, सांप के काटने से या विस्खोपड़ा आदि के काटने से नष्ट हो गई है, दावा नल से जल गई है, इन सब का हिसाब रखा जाता था। ये उस ग्रंथ में जितने विभाग हैं, प्रकरण हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। गायों को किसी प्रकार का खतरा हो गया है, गायें पूरी नहीं आई हैं, तो गो संरक्षण विभाग में उसकी जानकारी देना चाहिए। क्षीरघृत संरक्षण प्रकरण में गाय के दूध का, दूध को जमाना, दही मथना, घी निकालना, बिलोना, यह सब प्रकरण लिखा हुआ है। दंत प्रकरण में गाय को दुहने में जो अधिक दूध निकालते हैं या गाय को ताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उनके जो सजा दी जाती है उस प्रकरण में वह लिखा गया है। और पुरस्कार प्रकरण में जो गाय की अच्छी सेवा करता है तो राजा उसको जो है गोधन का कभी आधा भाग दे देता था। गाय के लिए प्राणों के का बलिदान करने वाले, कीचड़ से निकालने वाले व्यक्ति को शासन से और पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार से प्राचीन गोपालन विज्ञान, इसकी शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गायों के संबंध में लिखा हुआ है। आज के समय में संरक्षण की बात तो दूर रही, स्वतंत्र भारत में गोमांस विक्रय का विभाग बनाया गया है। विदेशों को गायों को मार मार करके डब्बों में मांस को पैक करके भेज करके जो धन आएगा उससे भारत की उन्नति करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत के विकास के लिए हैं, उनमें कट्टी खाने खुलवाने के लिए पैसा मंजूर किया गया। इस प्रकार का अन्याय स्वतंत्र भारत में हो रहा है, जबकि पुराने अर्थशास्त्र में, शासकीय ग्रंथों में गो संरक्षण की बड़ी भारी बात लिखी हुई है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य गो अध्ययन प्रकरण में, अर्थशास्त्र कौटिल्य गो अध्यक्ष प्रकरण में गो सेवा विधि को भांति भांति समझाई है। ब्रज पर यज्ञ में प्रकार सात गायें कहीं, रूप सिंह पूंछ रंग नाम भिन्न पाए है। नष्ट हुई गायें विनष्ट अध्यक्ष कहीं, पालक दोहक मंथक पिंडारक लुब्धक गाये है। क्षीर घृत संजात प्रकरण एक, द्रोण दुग्ध एक पृष्ठ घृत तक्र भेद बहु बताए हैं। पुराने जमाने में कैसे दही बिलोया जाता, उसकी नाप की आदि के प्रकरण लिखे गए हैं। हरे गाय मारवे की घात करे प्राण दंड, पारितोषक खोई ढूंढ लावे पावे गाय है।
गाय की सुरक्षा को घुड़सवार शस्त्रधारी गाय गले घंटा सर्व रक्षा पहराई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि जो गायों को कष्ट देने वाला है उसको प्राण दंड की सजा दी जाए और खोई हुई गाय को जो खोज करके लाए, कीचड़ में फंसी गाय को खोज करके लाए, जानवरों से बचा के गाय को लाए तो उसको जो है पुरस्कृत किया जाना चाहिए। गाय गले घंटा सर्प रक्षा पहराए है, गाय के गले में घंटा पहनाना चाहिए। क्यों पहनाना चाहिए? इसके पहनाने से सर्प आदि से रक्षा होती, आवाज होती है आवाज से और जानवर भग जाते हैं। दस गाय दशति अरुषत गो यूथ कही, जहाँ दस गाय हो उसको दशति कहा जाता है, जहाँ सौ गाय हो उसको गो यूथ कहा जाता है। सौ गो यूथ में चार सांड यूथ माह ग्वाल बहु बताए हैं। चार सांड होना चाहिए सौ गायों के बीच में। जल पीवे घाट गोशाला अरु चिकित्सा कही, गायों को जल पीने को घाट बना हुआ होना चाहिए जिससे कि कीचड़ में गाय ना फंसे। टीकमगढ़ में गो घाट है, गऊ घाट कहलाता, जहाँ गाय को पीने पाने को घाट इस तरह से बना हुआ है। कहते हैं बूढ़ी गायों की माता पिता के समान सेवा करना चाहिए, सांडों को देवता धर्म समझ करके स्वामी के समान उनकी सेवा करना चाहिए। अब जो अर्थशास्त्र में लिखा है वह सब संस्कृत में लिखा गया है। गोपालक पुंडारक दोहक मंथक लुब्धक सतम सतम धेनु नाम हिरण्य भृता पाल ये युह जरद धेनुर गर्भणी पृष्ठौ ही वत्स तरीणाम सम विभागम रूप सतमेकम पालयेत व्याधितानी अनन्यांग गैदानन्य द्रोही दुर्दोही अवत्स तरीणाम सम विभागम रूप सतमेकम पालयेत। इस प्रकार से बहुत से जो उसमें लिखा हुआ है उसका वर्णन हुआ है। अब महाभारत में गवोपनिषद है, निषदों उपनिषदों का अर्थ होता है जो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है जिसमें ब्रह्म ज्ञान का वर्णन हुआ है। तो महाभारत में गवोपनिषद जो है ओ वशिष्ठ जी ने और गोमती विद्या को पुष्कर जी से कहा है। वरुण के पुत्र पुष्कर जी थे, बड़े भारी गायों के भक्त थे, तो वरुण देवता ने और पुष्कर के प्रति और गोमती विद्या का उपदेश किया है। और वशिष्ठ ऋषि ने सौदास महाराज सौदास को गवोपनिषद सुनाया है और पुष्कर जी ने वरुण के पुत्र का नाम है पुष्कर और पुष्कर से परशुराम जी ने तपस्या करके कहा कि महाराज हमको गो संरक्षण विज्ञान की शिक्षा दीजिए। तो परशुराम जी के प्रति उन्होंने गो उपनिषद का वर्णन किया है, गो महिमा का वर्णन किया है। इनके फल को लिखा है कि कैसे उपासना करना चाहिए, इससे बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। और धर्मोत्तर पुराण में गोमती विद्या का प्रकाशन किया गया है, ये बहुत बड़ी विद्या है। सभी पुराणों में इसकी बड़ी चर्चा हुई है, बड़ी प्रशंसा की गई है। गोमती विद्या के जानकार बहुत से लोग होते हैं, उसका वर्णन करते हैं। तो गवोपनिषद वशिष्ठ जी गोमती पुष्कर से ने कही,
ऋषि वशिष्ठ सौदास उपनिषद गौ को भाखो गोमति विद्या पुष्कर परशुराम प्रतिभाखो महिमा कही न जाए उभय सब पाप नसावे संकट सब टल जाए उपनिषद विद्या गावे महाभारत गौ उपनिषद धर्मोत्तर गोमति कही गवोपनिषद वशिष्ठ जी गोमति पुष्कर ने कही। गो माता की महिमा को प्रकट करने वाले गवोपनिषद का वर्णन वशिष्ठ जी ने गाय के भक्त द्वारा सौदास के प्रति कहा है। उस रहस्यमय उपनिषद को कहते हैं भीष्म पितामह ने उसको युधिष्ठिर जी को सुनाया है। पुनः गोमती विद्या का उपदेश वरुण के पुत्र थे पुष्कर, जो पुष्कर द्वीप के अधिपति थे, उन पुष्कर द्वीप के अधिपति का की आराधना परशुराम जी ने की और परशुराम जी से उन्होंने गोमती विद्या का उपदेश किया। यह गोमती विद्या समस्त पापों को उन्मूलन करने वाली है और गवोपनिषद का उपदेश महाभारत के अनुशासन पर्व में हुआ है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका वर्णन हुआ है। इसके पाठ करने से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, सभी संकट टल जाते हैं। गवोपनिषद गोमती विद्या सद्या फलदायी रहस्यमय कही है। यह उपासना की पद्धतियां समाप्त हो गई हैं, इनकी आराधना लोग करते थे। तो महाभारत अनुशासन पर्व में भीष्म युधिष्ठिर संवाद में गोमाता की महिमा का जहाँ वर्णन हुआ है वहाँ भीष्म पितामह ने और क्रम क्रम से गायों को सर्वश्रेष्ठ उन्होंने कहा है कि देखो स्थावर जंगम पुरुषों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य में श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ है और उसमें यज्ञ प्रतिष्ठित है और यज्ञ से सोम की प्राप्ति होती है और यज्ञ गोमाता में प्रतिष्ठित है, इसलिए गो माता सर्व पूज्य है। भीष्मेव काले तो वशिष्ठम दिति सत्तम इक्ष्वाकुवंश रोजाजा सौदा सोबदतांबरा सर्वलोक चरम सिद्धिम ब्रह्म कोशम सनातनम पुरोहितम अभिपृष्टुम अभिवाद्योपचक्रमे। एक समय अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से सौदास राजा ने और गाय की महिमा के समय में गवोपनिषद के संबंध में पूछा था, तब उन्होंने गवोपनिषद का उपदेश दिया था। सौदास वाचो त्रैलोके भगवन किंस्वत पवित्रम कथ्यते नघो यत् कीर्तयन् सदा मर्त्या प्राप्यात् पुण्यमुत्तमम्। सौदास जी ने पूछा कि महाराज तीनों लोकों में सबसे पवित्र कौन है और किसके नाम का कीर्तन करने से मनुष्य को बड़ा पुण्य का फल प्राप्त होता है। तब वशिष्ठ जी ने उनको गवोपनिषद का उपदेश दिया, उस गवोपनिषद को सुन लीजिए। वशिष्ठ वाचो गावः सुरभिगंधिय सुरभिगंधिन्य तथा गुग्गुल गंधकः गावः प्रतिष्ठा भूतानाम गावः सत्यनम महतो। गायों का नाम लेने से सत्यन कल्याण होता है, शुभ होता है, गायों से सुंदर सुगंध आती है। कैसी आती है? गुग्गल के समान सुगंध आती है, कमल पत्र के समान सुगंध आती है, क्योंकि गुग्गल का गाय से उत्पन्न हुआ है और कमल का बीज भी गाय से उत्पन्न हुआ है। गावा प्रतिष्ठा भूतानाम, सभी प्राणियों की प्रतिष्ठा सुख का आधार गाय हैं। गावा सत्यनम महतो, और गायों का नाम लेने से सदा कल्याण होता है। गावो भूतम च भव्यम च गावा पुष्टि सनातने गावो लक्ष्म्यांस तथा मूलम गोसु दत्तम न नश्यति। भूत प्राचीन काल में जो संपत्ति रही, सुख संपत्ति रही, उसके कारण में गाय थे। भविष्य में भी जो आनंद होगा गायों से होगा
और वर्तमान में जिस देश की गायें पुष्ट रहेंगी वह देश ही सुखी रहेगा। गावो लक्ष्मी तथा गायें लक्ष्मी का स्वरूप है और गोसु दत्तम नश्यति, गायों के निमित्त में जो दान किया जाता है वह अनेक गुना होकर के प्राप्त होता है। गाय को दिया हुआ दान नष्ट नहीं होता है। अयम अन्नम ही परम गावो देवानाम परमम हवि स्वाहाकार खटकारो गोस नित्यम प्रतिष्ठित। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो प्रश्न आया कि महाराज इन जीवों के भोजन के लिए पुष्प के लिए क्या व्यवस्था है। स्वर्ग में देवताओं के पास तो अमृत है, धरती पर मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त करने के लिए पोषण के लिए क्या चाहिए। तो अन्यम ही परमम गावो, मनुष्यों को पुष्ट करने के लिए गायों को परम अन्न कहा गया है और गायों के द्वारा देवताओं का पोषण होता है, यज्ञ होता है। देवानाम परमम हवि ही स्वाहाकार खटकारो गोसु नित्यम प्रतिष्ठित। यज्ञ में स्वाहाकार बसटकार होता है, वह गाय के घृत आदि से ही होता है। गावो यज्ञ से ही फलम गोसु यज्ञ प्रतिष्ठिता, गावो भविष्यम भूतम च गोसु यज्ञ प्रतिष्ठिता। गावो यज्ञ से ही फलम, यज्ञ का फल गायें हैं, यज्ञ के द्वारा गाय उत्पन्न हुई और गायों में ही यज्ञ प्रतिष्ठित है। और भूत भविष्य वर्तमान की उन्नति के मूल में गाय हैं। सायं प्रातश्च सततम होम काले महादुते गावो ददाति बहुहम्यम शिव्या पुरुषत्सव। गायें सतत स्वयं सायंकाल प्रातः काल और गोदुग्ध आदि प्रदान करके हवन की सामग्री को देती हैं। गावो ददाति वही हौम्यम ऋषिव्या पुरुषर्षभ, हे राजन गायें यज्ञ की सामग्री प्रदान करती थी इसलिए और आश्रमों में गाय का पालन किया जाता था। ऋषियों को गाय के देने का बड़ा पुण्य कहा गया है। ज्ञानिकानि च दुर्गाणि दुष्कृतानि कृतानि च तरन्ति चैव अपमानं धेनुं ये ददति प्रभो। जो गौ का दान करता है उसकी बड़ी बड़ी अल्फें टल जाती हैं, दुष्कृतानि कृतानि क्या बड़े बड़े अपराधों का क्षय हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है। तनंत चैव पापमानं धेनुयो दत्ते प्रभु, जो गौ का दान करता है वह पवित्र हो जाता है। एकाम च दद्गुण दस गुण दद्यात दस दद्यात च गोसति, जिसके दस गायें हैं वो एक गाय दान कर सकता है और जिसके सौ गायें हों वो दस गायें दान कर सकता है, जिसकी एक हजार गायें हों वो सौ गायों को दान कर सकता है। बराबर का फल कहा है, गौदान अवश्य ही करना चाहिए पर गौदान वही कर सकता है जो गोपालन करता है। एकाम च दस गुरु दद्यात दस दद्यात च गो सति, शतम सहस्रम गुरु दद्यात सर्वे तुल्य फलाहिते। अनाहिताग्नि शतगुरु दद्वा दनद्वा च सहस्र गुहु समृद्धो यश्च कीनासो नार्घमर्हन्ति ते त्रयः। इसमें लिखा है कि जिसके घर में हवन नहीं होता है, अनाहिताग्नि अग्निदेव का पोषण नहीं होता है, आहुति नहीं दी जाती है। पुराने जमाने में देखा गया है माताएं बहनें कुछ बनाती थीं तो थोड़ा सा अग्नि में छोड़ देती थीं, घृत आदि की करैया चढ़ाने पर थोड़ा घी छोड़ देती थीं, यह अग्नि कुंड हुआ करते थे, अग्नि का संरक्षण किया जाता था। तो इसमें कहा है कि गायें घर में हैं, खूब दूध घी घी आदि होता है, खूब समृद्धि है, और अगर वह हवन नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है तो समाज में उसका आदर नहीं होना चाहिए।
ऐसे ब्राह्मण का आदर नहीं होना चाहिए। नार्घ मरहंति ते त्रयः, उनको अर्घ नहीं देना चाहिए। कपिलाम ये प्रयच्छन्ति सवत्साम कांस दोहनाम सुब्रताम वस्त्र संबीताम बहुलोकम जय लोक जयंति ते। जो कपिला गाय को दान करते हैं बछड़ा के सहित कांस का दोहन, दूध दोहने के लिए कांस का पात्र देते हैं, और कैसी गाय हो, सुब्रताम बहुत सीधी गाय हो, वस्त्र संबीताम उसको वस्त्र उड़ाए जाए, तो ऐसी गाय का जो दान करता है उसको लोकों को वो जीत लेता है, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। यवानाम इंद्रिया पेतम सतेन सतयूथ पव गवेंद्रम ब्राह्मण इंद्राय भूरि संगम अलंकृत। कहते हैं जिस ब्राह्मण के यहाँ 100 गाय हो, उस ब्राह्मण को जो साण को दान करता है, सतयूथपम 100 गायों वाले ब्राह्मण को, और साण का जो दान करता है गविंदम ब्राह्मण इंद्राय भूरि श्रृंगम अलंकृतम, बड़े बड़े सिंह और अलंकृत हो, तो उसकी बड़ी भारी महिमा कही गई है। वृषभम ये प्रयच्छन्ति श्रोत्रियाय परंतप, ऐसे श्रोत्रिय यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को जो बैल का दान करते हैं, ऐश्वर्यम तेजी गच्छन्ति जायमाना पुनः पुनः, जितनी गायों के संतान होती है उसी के समान उस व्यक्ति का धन समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। ये गवोपनिषद का वर्णन किया जा रहा है, उपनिषद है ये, उसको हम सुना रहे हैं। ना कीर्तेत्या गा सुप्यात, सोने के पहले गाय का नाम लेकर के ही सोना चाहिए, गाय को नमस्कार करके सोना चाहिए। ना कीर्तित्वा गा सुप्यात तासाम संस्मृत चोत्पते, और उठते साथ ही गाय का नाम लेना चाहिए। सायं प्रातः नमस्ते चा गास तथा पुष्टिमाप्नुयात, जो प्रातः काल सायंकाल गाय को प्रणाम करके ही सोता है जागता है, तो सदा उसको पुष्टि, उसके घर में धन धान्य लक्ष्मी का निवास कर रहता है। इसलिए गायों को सोने के पहले प्रणाम करके सोना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में समय पहले उठ करके गाय के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गाय में संपूर्ण देवताओं का निवास होता है। गवाम मूत्र पुरी सत्सो नोद वेत कथंचन, गाय के मूत्र को और पुरीष माने गोबर का उनसे घृणा नहीं करना चाहिए, गोबर को पाप पैर नहीं लगाना चाहिए, गोबर को मस्तक पर तिलक जैसा भी धारण किया जाता है। नचासाम मांस मछनी आद, कभी गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। गवाम पुष्टि तथा पुयाद, गाय के पोषण को करने से मनुष्य की पुष्टि होती है, जितनी गाय पुष्ट होगी ऐसा ही मनुष्य भी पुष्ट होता चला जाएगा। गाय से संकीर्त नित्यम नाव मन्येत तथा, गाय के नाम का सदा कीर्तन करना चाहिए, उनका अपमान नहीं चाह करना चाहिए। अनिष्टम स्वप्न मालक्ष गाम गदा संपकीर्त, अगर दुस्वप्न कोई देख ले तो गाय का नाम लेना चाहिए, गोष्ठ में जाके गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। जाने अनजाने पाप बन जाता है तो गोष्ठ में जाके गौ माता के सामने उसके प्रायश्चित स्वरूप प्रणाम करके अपने पाप की क्षमा याचना करना चाहिए। गोमयेन सदा स्नान याद करी से चापी समृत, स्नान करते समय जो गोबर के रस से गोमय से स्नान करता है तो शरीर के हजारों रोग दूर हो जाते हैं, ये हमने अनुभव करके देख लिया है। गोबर से स्नान करो तो ऐसे लगता है कि शरीर को जैसे खूब तेल पिला दिया गया हो, बड़ा चिकना मुलायम हो जाएगा। और करी से वापी सन्निवेद, गोबर के ऊपर बैठ कर के भजन करना चाहिए। करी से चापी संविशेद,
गोबर इतना पवित्र होता है कि गोमयोद के न उपलिप्यो, जल से गोबर से लीप करके वहाँ बैठ के पूजन करना चाहिए। लिखा है करी से सूखे हुए गोबर को साथ रखना चाहिए, कहीं गोबर की व्यवस्था ना हो तो सूखी कंडी को थोड़ा सा वहाँ पर अपनी आसन के नीचे रख लेना चाहिए। श्लेष मूत्र पुरीषाणि प्रतिघातम च वर्जयेत, और गाय के मूत्र को गोमय को और पैर से कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। पुरानी माताओं को देखा है सब में पहले गोबर को प्रणाम करते हैं, गोबर का उरण डाल जाता है तो सब जो आते पहले गोमय को प्रणाम करते। साध चरमणि भुंजी तो निरीक्षेत वारुणी दिशा वाग्यता सर्पिषा भूमौ गवाम पुष्टिम सदास्तु से। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका भाव समझ में नहीं आता है। इसमें लिखा है कि बड़े बड़े कार्यों में साध चरमाणि भुंजी तो निरीक्षेत वारुणी दिशा, पश्चिम दिशा को देखते हुए गोचर्म के ऊपर बैठ करके बागता सर्पिषा भूषा भूमौ गवा पुष्टिम सदास्तु से, और सरसों फैला करके गायों की पुष्टि के लिए प्रार्थना करना चाहिए। घृतेन जुहयाद अग्निम घृतेन स्वस्तिवाचयेत, घी से अग्नि से हवन करना चाहिए। स्वस्थ वाचन कराने वाले ब्राह्मण को घी का दान करना चाहिए। घृत के पात्र में रख करके घी के दान की बड़ी भारी महिमा है। घृतम दद्यात् घृतम प्राशेत, घी का दान करना चाहिए, घी का भोजन करना चाहिए। गवाम पुष्टिम सदास्तु से, गव्य पदार्थ यदि शरीर में एक महीना नहीं पहुंचता है तो उस शरीर के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, देवता उसके हाथ का हब कब ग्रहण नहीं करते हैं। तो घृतम दद्यात् घृतम प्राशेत, घृत का दान करें, घृत का भोजन करें, गवाम पुष्टिम सदा सुनते, ऐसा करने से गायों की पुष्टि होती है। गायों के पोषण के लिए सदा चिंता करें। और जितने पुराण लिखे हमने देख लिया है, जितने भी पुराण लिखे हैं सब में गोमती विद्या की चर्चा है, बड़ी विचित्र गोमती विद्या की चर्चा है। पुष्कर द्वीप के अधिपति वरुण के पुत्र हैं पुष्कर, उनको परशुराम जी ने उपासना करके गोमती विद्या को लिया है, पर दुर्भाग्य की बात है गोमती विद्या के मंत्र सभी पुराणों में मिलते हैं, कहीं 16 हैं। देखो 16 की संख्या ऐसी मानी गई है, हम समझते थे कि 16 आना का रुपया क्यों होता था, पुराने जमाने में 16 की गिनती को इतना पवित्र माना जाता था कि श्री सूक्त में 16 मंत्र हैं और पुरुष सूक्त में वेद में 16 मंत्र हैं, रुद्र सूक्त में 16 मंत्र हैं, इसी प्रकार से गोमती विद्या के भी 16 मंत्र हैं। 16 की संख्या सब जगह कही गई है। गोमत्या विद्याधेनु तिलानाम अभिमंत्रचा, गोमती विद्या के द्वारा तिलों से गायों को अभिमंत्रित करके, धान्यों का राजा तिल है, तिल दान की बड़ी महिमा है। हमारे ही सामने संक्रांति के पर्व के पहले संक्रांति सुनाने को जाते थे तो ब्राह्मणों को तिल और गुड़ ही दिया जाता था, पर कालांतर में अब दान की जगह केवल रुपया दे दिया जाता है, क्योंकि तिल का मूल्य क्या है, 70-80 रुपया होगा तो कौन देगा, 10 रुपया या 5 रुपया पकड़ा दिए जय सिया राम, लेकिन तुम जैसा बोगे वैसा ही होगा। पर तिल के दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है, इसलिए अशुभों की शांति के लिए तिल और गुड़ का दान जरूर देना चाहिए। गोमती विद्या का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण को तिल का और गुड़ का दान करना चाहिए। धेनुम तिलानाम अभिमंत्र च सर्वरत्नमयीम दद्याद दद्यान न च सोचेत कृता करते, और इस प्रकार से
जो दान करता है तो उसको कभी चिंता नहीं करना पड़ती है, उसके शुभ अशुभ सभी नष्ट हो जाते हैं। गावो माम उपतिष्ठन्तु हेम संज्ञा पयो मुचः सुरभ्या सौरभेयश्च सरिता सागरम यथा। इसमें लिखा है कि जैसे समुद्र की ओर नदियां दौड़ती हुई जाती हैं, ऐसी गावो माम उपतिष्ठन्तु, हम सदा गायों के बीच में रहे, हमारे चारों ओर गायें दौड़ करके आए, गायें हमसे इतना प्रेम करें कि हमको देख करके गायें दौड़ के आ जाए। हेम श्रृंगा, गायों के सोने से सिंह बनना चाहिए। पयोमुचा, खूब दूध देने वाली गायों को पालना चाहिए। सुरभ्या सौरभेयश्च, गायों में सुगंध होती है इसलिए उसका नाम सुरभि है। सरिता सागरम यथा, जैसे समुद्र की ओर नदियां जाती हैं इसी प्रकार हमारे चारों ओर गायें रहे, गायों के बीच में हम सोए, गायों के बीच में हम रहें, गाय हमारे घर की शोभा हो। गावै पश्याम अहम नित्यं, गावा पश्यन्तु माम सदा, हम सदा गाय का दर्शन करें और गाय सदा करुणामयी दृष्टि से हमारी ओर देखे। गावोस्माकं वयं तासां, हम गाय के हैं और गाय हमारा हमारी है। महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। इसमें लह गावो अस्माकम वयम तासाम, हम गाय के हैं, गाय हमारी हैं। यतो तो गावस ततो वयम, गायें हैं तभी हमारी स्थिति है, गायें नहीं होगी, गायें सुखी नहीं होगी तो यह देश भी नष्ट हो जाएगा। एवं रात्र दिवाचा पी समेश विस्मय सुचा महाभयेषु च नरा कीर्तयेन मुच्यते भयात। यह गवोपनिषद जो है प्रातः काल दिन में सायंकाल सम परिस्थितियों में इसका जप करना चाहिए। महान भय उपस्थित हो जाने पर मनुष्य बड़े बड़े भयों से छूट जाता है। इस गवोपनिषद का हमने वर्णन इसीलिए कर दिया है। अब इसके बाद गोमती विद्या का वर्णन किया जा रहा है। अभी हमने बता दिया है गोमती विद्या में लिखा है, अब ऐसा स्वभाव नहीं रह गया है, कौन ऐसा कर सकेगा, गायों के बीच में बैठ करके गोमती विद्या की आराधना होती है तो गाय की भावना करे कि हम गाय ही हैं, शरीर के ऊपर केवल एक वस्त्र हो, लज्जा निवारण के लिए लंगोटी हो केवल, कंधे पर थोड़ा सा ऊपर वस्त्र हो और जैसे गायें बैठती हैं ऐसे गायों के बीच में बैठ करके और मंत्र का जप करें, गायों के समान ही रहे, ठंड गर्मी शीत वर्षा सब कुछ सहे और गायें जब भोजन करके रौंथने लगे तभी जल पान करे। इस तरह से गायों के अनुसार ही चले, गायों के बीच में रह के समझ ले कि हम गाय ही हैं। ये गोमती विद्या की आराधना का क्रम बताया गया है। गोमती विद्या अति पवित्र, गोमती विद्या अति पवित्र, लोक पितामह ने कही। ब्रह्मा जी ने इसका वर्णन किया है, इसके सर्वसे प्रथम आचार्य ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा देवराज अरु वरुण पुत्र को दीना, ब्रह्मा जी ने यह विद्या प्रार्थना करने पर देवराज इंद्र को दी और देवराज इंद्र से वरुण ने ली और वरुण ने अपने पुत्र पुष्कर को दी, वरुण पुत्र पुष्कर से परशुराम ने लीने और वरुण के पुत्र पुष्कर से श्री परशुराम जी ने इस विद्या को लिया। परशुराम जी गायों की रक्षा करते थे, गौचारण करते थे, गो संरक्षण करते थे, गायों की आराधना करते थे, इसीलिए गो ब्राह्मण की रक्षा में उन्होंने और यह अभियान किया। देवराज ने दशरथ तिन सुत राम ही दीने, तो कहते हैं कि गोमती विद्या, दशरथ जी की इंद्र से मित्रता थी,
तो दशरथ जी ने इंद्र से कहा कि महाराज, हमने सुना है कि ब्रह्मा जी से आपने गोमती विद्या प्राप्त की है, तो आप हमारे मित्र हैं, हमको गोमती विद्या का उपदेश कीजिए। तो देवराज इंद्र से महाराज दशरथ ने इस गोमती विद्या को प्राप्त किया। तेने सुत राम ही भाकी। फिर दशरथ जी ने अपने पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों को इस विद्या का उपदेश दिया। राम जी को बचपन में गोष्ठ में रखा गया, पर उस राम जी का बड़ा डर रहता था, और वृद्धावस्था में राम जी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्राप्त हुए तो सरजू जी के उस किनारे के ऊपर, और वहाँ यादवों का गोष्ठ था, गोपालन होता था, बचपन में सुरक्षा के लिए वहाँ ही श्री राम जी को रखा गया। गोष्ठ में रह करके राम जी ने जिस तरह से कृष्ण भगवान ने और दही चोरने की लीला की, सीके आदि से चढ़ करके ये सब कुछ वर्णन आया, आध्यात्म रामायण में वर्णन आया कि दूध दही की चोरी श्री राम जी ने भी की है, और कहा कि बाकी इस लीला से हमारा मन नहीं भरा, बुला लिए गए तो कहा कि इस लीला को अब हम द्वापर में करेंगे। रामानुज प्रति लक्ष्मण। फिर राम जी को दी दशरथ जी ने, दशरथ जी ने लक्ष्मण जी को दी। तो देवराज ने दशरथ तन सुत राम ही भाकी। राम अनुज प्रति लक्ष्मण ने मुनि जन प्रति भाकी। इसके बाद दंडकारण्य में पहुंचे तो दंडकारण्य में ऋषियों ने कहा, हे लक्ष्मण जी, हमने सुना है कि देवराज इंद्र से तुम्हारे पिता दशरथ को गोमती विद्या मिली, और उस गोमती विद्या को दशरथ जी ने राम जी को दिया, राम जी ने तुमको वो विद्या दी है, तो हम लोगों को उस विद्या का वर्णन करो। तो लक्ष्मण जी ने मुनि ऋषियों को यह कही, यह त्रेता की बात हो गई। द्वापर में परशुराम जी को प्राप्त हुई कि यह गोमती विद्या सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है, सुख सौभाग्य को देने वाली है, ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली है। तो परशुराम जी को पता पड़ा कि वरुण देवता को यह जो है ब्रह्मा जी ने दी थी, देवराज इंद्र ने वरुण को दी थी, और वरुण देवता ने अपने पुत्र पुष्कर को दी थी, जिससे पुष्कर द्वीप का जो अधिपति है। तो परशुराम जी ने पुष्कर की आराधना की और पुष्कर प्रसन्न हो गए, कहिए महाराज, किस आकामना से आपने हमारी तपस्या की। उन्होंने कहा कि बड़ी दुर्लभ गोमती विद्या आपके पास है, वह विद्या हमको दीजिए। तो उन्होंने परशुराम जी को विद्या दी, गोमती विद्या दी। फिर परशुराम जी से भीष्म पितामह ने विद्या प्राप्त की। भीष्म पितामह ने कहा कि महाराज, हमने सुना है कि हमको आपको गोमती विद्या का ज्ञान प्राप्त है। तो उन्होंने भीष्म पितामह ने इस विद्या को प्राप्त किया। पुनः इसी विद्या को युधिष्ठिर जी ने और भीष्म पितामह जी से कहा कि महाराज, सुना है कि आपको गोमती विद्या प्राप्त है। तो गोमती तो रामानुज प्रति लक्ष्मण ने पुनि जन प्रतिभा की। परशुराम कही भीष्म से, भीष्म ने युधिष्ठिर से कही, गोमती विद्या अति पवित्र लोक पितामह ने कही। अब ये प्रकरण इतना रहस्यपूर्ण है, जितने पुराण हैं सब में गोमती विद्या की बड़ी प्रशंसा की गई है, लेकिन कालांतर में वह विद्या समाप्त हो गई है। शास्त्र में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, शास्त्र में लिखा है कि जैसे सप्तशती है, तो सप्तशती को बिना गुरुमुख के चाहे तुम जितने विद्वान हो, आचार्य किया हो, चाहे जितने विद्वान हो, पर गुरुमुख करके ही वह सिद्ध होगी। गुरुमुख के बाद में पाठ में कोई न्यूनता रह जाएगी तो वो समाप्त कर दी, वो नहीं गिनी जाएगी, उसको गुरुमुख जरूर करना चाहिए। अब किससे गुरुमुख करना चाहिए, तो कहते हैं कि जिसने कम से कम 100 पाठ किए हों। तो मंत्र तो सभी कागज में लिखे हैं, किताबों में सब कुछ लिखे हैं,
पर एक इसी प्रकार से है कि जैसे एक लाइसेंस वाला मोटर चलाता है और एक बिना लाइसेंस का मोटर चलाता है, तो बिना लाइसेंस वाला चोरी करता है। इसी प्रकार से मंत्र को किससे लेना चाहिए, ददाति प्रतिगृह्णाति, उपासना को किसी से लेना ही चाहिए। उदाहरण के लिए कोई कीर्तन का आचार्य है तो उसके चरणों में जाकर के प्रार्थना करें कि महाराज हमको अपनी संकीर्तन विद्या दे दीजिए, उसका पूजन करें, और जिसने इतना संकीर्तन किया हो उसके चरणों में बैठ करके उस संकीर्तन की शिक्षा दे, नियम बताए और सीखे, तो उस काम में ज्यादा सफलता होगी। महाराष्ट्र आदि में कोई भागवत पढ़ाने वाला कोई भी कुछ कार्यक्रम कराता है, जैसे पुराण कराना है, भागवत कराना है, तो पंडित से पूछेगा कि महाराज आपने भागवत कहाँ लगाई, शिवपुराण से पूछेगा महाराज आपने शिवपुराण कहाँ लगाया है, आप उचित उत्तर दे देंगे तो वो कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। तो अब ये मनमाना पर चला है कि कुछ पढ़ाना लिखा सब कुछ करने के लिए हम बैठ गए। हर चीज का गुरु होना चाहिए, बिना गुरु के विद्या फलित नहीं होती है। भक्तमाल में एक कथा आई है, दृष्टांत लिखा है महाराज जी ने, कि एक खेल दिखाने वाला, उसने एक व्यक्ति को अपने करामात ये खेल दिखाने वाले थे वो दिखा दिया तो उसने सीख लिए। एक दिन तालाब के किनारे वो देख रहा था कि किलकिला किस तरह से ऐसे डुब से पानी में गिरता है और मछली को पकड़ के तुरंत ऊपर उड़ जाता है, तो कितनी होशियारी से वो मछली पकड़ता है और कैसे तुरंत उड़ जाता है, ये उसने हुनर देख लिया। तो उसने उसके हुनर को देख करके क्या किया कि वो तलवार को लेता था, बड़े चौकू को, और ऐसे उछालता था, उछलता उछलता खाता खाता नीचे गिरता वो ऐसे दांतों से पकड़ लेता था और कहीं कोई बिल्कुल भी खून नहीं निकलता था। ये विद्या उसने सीख लिए, नया खेल सीख लिया। ये दिखाता था तो उसके आचार्य जो थे जिन्होंने उसको ये विद्या सिखाई थी, तो उन्होंने पूछा कि भैया ये तो हमने सिखाया ही नहीं, ये तुमने कहाँ से सीख लिया। तो अज्ञान व सुस्त को कह देना चाहिए था, उसने कह बोले ये तो हमको अपने से आ गई, ऐसा कहने से। तो कहा दिखाओ खेल, उसने खेल दिखाया तो तुरंत वह छुरी उसके नाक पर गिरी और नाक कट गई। कहा भैया तुमने दोष कर दिया, कोई ना कोई अपराध, तुम्हारी नाक क्यों कटी। तो कहा कि हम समझ गए हमने गुरु का अपमान किया है। तो परंपरा होती थी, लोग अपनी पैतृक संपत्ति को समाज के रहते थे, पंडित का लड़का पंडित होता था। हम क्या बताएं, ऐसी बात हमारे दिमाग में आ जाती है। एक जगह कंचनपुरा में, वो गुलाबपुरा में हमने शिव पुराण का पाठ किया, तो रात में एक सज्जन आ गए और कहने लगे महाराज चरण सेवा कर दें। हमने बहुत मना किया लेकिन वो मान नहीं रहे थे। हम समझ गए कि चरण सेवा नहीं, इनको कुछ बात करना है, बहाना है। उनका ठीक है भैया करो, तो हाथ रखना शुरू किया। उन्होंने पूछा, बड़ा बोले महाराज हमें एक शंका है, वो शंका पूछने हमकी, पूछो। हमने सोचा कोई पुराण की बात जानते होंगे तो बता देंगे, सर्वज्ञ तो हम है नहीं भैया, पूछो, जानते होंगे तो हम बता देंगे। तो ना जाने उस व्यक्ति ने ऐसी बात कही, वो कहने लगा महाराज जा बताओ पंडित के लड़का पंडित काय नहीं हो रहे, पंडितों के लड़का नामी गुंडा बदमाश काय हो रहे। हमने कहा क्यों रे ऐसी बात पूछी तूने, तो उसने इतने नाम बड़े बड़े पंडितों के बताते बताते, न जाने कितनी जानकारी थी उसकी उसकी, उसने तो बनारस के बड़े बड़े पंडितों के लड़कों का नाम लेना शुरू कर दिया, और उसी क्रम में उसने वृंदावन का भी नाम लिया और कहा कि देखो वृंदावन के जो पुजारी थे, गोस्वामी आदि थे, इनके लड़कों ने भी ऐसा किया, ठाकुर जी को जो है पैंट बुशर्ट पहना दिया, रूमाल हाथ में लगा के, कैसा। इस तरह से वो हमसे कहने लग गया और कहते कहते उसने बड़े बड़े पंडितों के लड़कों की दुर्गति बताई। हम बड़े दुखी हो गए, चिंतित सोचते रह गए। तो हमने यही उसका तात्पर्य समझा
कि अर्थ प्रधान होने से युग अर्थ प्रधान है, उधर भरे सो धर्म सिखावें, जैसे धन ज्यादा प्राप्त हो वही विद्या लोग सिखाना चाहते हैं, कोई अपने पैतृक विद्या को नहीं सिखाना चाहिए। पूछे बेटा जानिए, लिखा हाके ते टट्टू न गए सूंघे अतर बसाए, पूछे बेटा जानिए तीनों दे बहाए। हाँकने से टट्टू न गए, जितने लबोदा मारे मारे उतने वो डग रख गए, तो ऐसे टट्टू को ऐसे घोड़े को नहीं रखना चाहिए। सूंघे इत्र बसाए, इत्र को सूंघ हाँ है सुगंध तो है, तो वो इत्र इत्र नहीं है। और पूछने से तुम किसके लड़के हो और फिर बताना पड़े, तो कहके तीनों दे बहाए, तीनों बहा देना चाहिए, वो लड़का लड़का नहीं है। लड़कों को देखकर उसके पिता का स्मरण हो जाना चाहिए, यह अमुक घराने का है। सदाचार से और कुलीनता से व्यक्ति का पता लगाया जाता था। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि मनमुख विद्या सफल नहीं होती है, हर बात का गुरु होता है, गुरु अवश्य वरण करना चाहिए, बिना गुरु से सही माध्यम से विद्या प्राप्त नहीं होती है, वह होती भी है तो अनर्थकारी होती है। तो गोमति विद्या अति पवित्र लोक पितामह ने कही, इस गोमति विद्या को ब्रह्मा जी ने कही, ब्रह्मा जी को भगवान ने बताई, भगवान ने इंद्र को बताई, इंद्र ने वरुण को बताई, वरुण के पुत्र पुष्कर ने परशुराम जी को बताई, और इंद्र जो के मित्र जो दशरथ जी थे, दशरथ जी ने इंद्र से ली, उन्होंने राम जी से कही, राम जी ने लक्ष्मण जी से कही, लक्ष्मण जी का पता पड़ा तो ऋषि मुनियों ने उनसे विद्या को लिया, पुनः परशुराम जी से विद्या को प्राप्त करने, परशुराम जी ने पुष्कर से ली और परशुराम जी की आराधना करके भीष्म पितामह ने ली और भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी ने ली। इस प्रकार से यह गोमती विद्या की महिमा है। और युधिष्ठिर जी गाय के परम आराधक थे, पांचों पांडव गाय के परम आराधक थे, आराधक थे। वृद्धावस्था में गाड़ी में बैठ करके चलना बंद कर दिया था, गोरथ में बैठना पवित्र माना जाता है, पर ऐसी आराधना की कि युधिष्ठिर जो है गाय के रत्न में बैठना और बंद कर दिया। गोमती विद्या की महिमा को महात्मा को बताते बताते समय पूर्ण हो गया। अब कल हम पूरी गोमती विद्या के श्लोकों को पढ़ के उनके भाव को समझाएंगे, और यह प्रकरण बहुत लंबा है। यह गोमती विद्या लुप्त प्राय हो गई है, क्योंकि गाय का स्वभाव तपस्या का होता है, तपस्वी ब्राह्मण ही इसको कर सकता है, इसको करने के समान करने के लिए गाय के समान हमें स्वभाव बना करके कि हम गाय ही बन गए हैं और इसको करना चाहिए। अब एक छोटा सा गीत सुनाए देते हैं। अजी मेरे मन में गई है समाय, हाँ समाय, गोमा की भाव भरी भक्ति, मेरे मन में गई है समाय, हाँ समाय, गोमा की भाव भरी भक्ति, जहाँ गाय वहाँ ही कृष्ण दिखे, जहाँ गाय वहाँ ही कृष्ण दिखे, गौ सेवा करते कृष्ण दिखे, बंसी वादन रत कृष्ण दिखे, अजी मोहे अपने पास बुलाए, हाँ बुलाए, गोमा की भाव भरी भक्ति, अजी मोहे बार बार समझाए, समझाए, गोमा की भाव भरी भक्ति, मैं गो सेवा हित आता हूँ,
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं गो सेवाहित आता हूँ, मैं लीला मधुर रचाता हूँ, जो गायों की सेवा करते उनके संग रास रचाता हूँ, मैं खुद बछड़े बन जाता हूँ, गोपाल कृष्ण कहलाता हूँ। अजीब गाय बिन ब्रह्मा हूँ न सुहाय न सुहाय, गोमा की भाव भरी भक्ति मेरे मन में गई है समाय, गोमा की भाव भरी भक्ति मैं बन बन गाय चराता हूँ, गौ का श्रृंगार रचाता हूँ, पर कम्मा कर सुख पाता हूँ, फिर बंसी उन्हें सुनाता हूँ, फिर नाच गाय को रिझाता हूँ, मोहे गौविन कछु न सुहाय न सुहाय, गोमा की गाय बड़ी भक्ति अजी मेरे मन में गई है समाय, हाँ समाय, गोमा की भाव बड़ी भक्ति, गोहित कालिया भगाता हूँ, गायों के प्राण बचाता हूँ, मैं अग्नि तक पी जाता हूँ, बंसी से तेर बुलाता हूँ, असुरों को मार भगाता हूँ, गो रक्षा कर दिखलाता हूँ, अरे मेरे प्राणन गई है समाय, हाँ समाय, गौ माँ की भाव हरी भक्ति मेरे मन में गई है समाय, हाँ समाय, गोमा की भाव भरी भक्ति, गोवर्धन नाम मुझे भाता, मैं सबसे पूजा करवाता, खुद गोवर्धन में बन जाता, खुद पूजा करके दिखलाता, इंद्रयाग में गो पुष्टि याग करवा करके मैं सुख पाता, अजी मोए छप्पन भोग सुहाय, हाँ सुहाय, गोमा की भाव भरी भक्ति मेरे मन में, हाँ मेरे मन में गई है समाय, हाँ समाय, गोमा की भाव भरी भक्ति। तब इंद्र को पुकार आता है, प्रलयंकर मेघ बुलाता है, भारी जल को बरसाता है, जो जो ही गोधन घबराता है, वह हमको टेर बुलाता है, मैं गोवर्धन धारण करता, मैं गाय गोप रक्षा करता, सुरभि से गोविंद पद पाकर गोपाल गाय प्रिय कहलाता, यह देख इंद्र घबराय घबराय, यह देख इंद्र घबराय, गौ ही की शरण जाय, स्तुति कर मोय मनाय, मन बार बार पछताय, गोमा की भाव भरी भक्ति अजी मेरे मन में गई है समाय, हाँ समाय, गोमा की भाव भरी भक्ति। लो गौ माता की जय, बीड़ी सी पावन परम है देनी फलचार, स्वर्ग नसैनी हरि कथा नरक निवारण हार। लो गौ माता की जय, गोपाल कृष्ण की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर हर।